तो गेमर्स फ्री फायर मैक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्राफ्टलैंड मोड। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि जो ये क्राफ्टलैंड मोड है, ये मोड बेसिकली होने कैसा वाला है, साथ ही साथ इसका मोड का आप लोग कैसे खेल पाओगे। ऑब्वियसली आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन आज की वीडियो में फुल डिटेल्स पर बात करने वाला हूँ, साथ ही साथ आपको मैं दिखाने भी वाला हूँ कि क्या होने वाला है इस मोड का, बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इस मोड को खेल पाओगे, क्या आप ये फ्री फायर में भी खेल पाओगे या सिर्फ फ्री फायर मैक्स में खेल पाओगे। आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है सभी कुछ आज के इस वीडियो में आंसर अप करने वाला हूँ। हेलो गेमर्स, मेरा नाम है रोहित और आप लोग देख रहे हो डार्क शूटर गेमिंग एक और फ्रेश एंड एक्साइटिंग वीडियो। चलो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए करते आज के वीडियो को टॉपिक कम स्टार्ट। तो यार जैसे ही यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स देखने के लिए मिल जाएगा हमारे गेम के ऊपर, फ्री फायर मैक्स के अंदर आपको एक न्यू मोड देखने के लिए मिल जाएगा जिसका नाम होने वाला है क्राफ्टलैंड। तो आपको यहाँ पर मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये जो मोड है आपको, आप लोगों ने बहुत पहले देखा होगा कि ये मोड हमारे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाला था कि फ्री फायर के अंदर आने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जो मोड है ये फ्री फायर के अंदर नहीं बल्कि फ्री फायर मैक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वैसे तो आप अगर फ्री फायर में हो और आपका आपका कोई फ्रेंड अगर फ्री फायर मैक्स में है तो दोनों खेल सकते हो, लेकिन जितना बताया जा रहा है कि ये वाला मोड सिर्फ आपको खेलने के लिए फ्री फायर मैक्स चाहिए, फ्री फायर के अंदर आप इस मोड को नहीं खेल पाओगे। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक कस्टम रूम कार्ड चाहिए जिसका नाम होने वाला है ब्लू कस्टम रूम कार्ड, ठीक है। बेसिकली आपको ये क्राफ्टलैंड मोड आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज देखे होंगे पहले, लेकिन आपको मैं यहाँ पर और एक बार मतलब याद दिला देता हूँ क्योंकि फ्री फायर मैक्स बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पर आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक मैप डिज़ाइन आप यहाँ पर खुद कर पाओगे, ठीक है। आप अपना खुद का यहाँ पर डिज़ाइन करके एक मैप बना सकते हो, उसके जरिए आपको यहाँ पर एक देख सकते हो चारों तरफ एक आपको स्क्वायर टाइप का जगह मिलेगा जहाँ पर ब्लू लाइन यहाँ पर खींचा हुआ है। तो आपको इस लाइन के अंदर अपना मनपसंद घर बनाना है, या घर नहीं बोलूँगा मैं, कहूँगा आपको मनपसंद अपना एक मैप बनाना है, ठीक है। आप इसको मतलब अपने हिसाब से मैप को यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर बहुत सारे कुछ सिग्नल्स मिल जाते हैं, देख सकते हो एक ही क्लिक पर घर बन जाता है। ऐसा अगर सच में तो यार मतलब मजा ही आ जाता। देखो एक क्लिक करोगे एक घर बन जाएगा, दूसरा क्लिक करोगे बहुत कुछ बन जाएगा। तो ऐसा कुछ सीन है, यहाँ पर सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे पेड़ पौधे सभी कुछ है। कुछ आई थिंक इसमें लिमिटेशंस रहेगा, ठीक है, सब कुछ अनलिमिटेड तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ है, आपको यहाँ पर खुद बनाना पड़ेगा और इसमें डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है। ए टू जेड मिल जाएगा, सबसे ऊपर है देखो ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद है बिल्डिंग्स, उसके बाद है स्ट्रक्चर्स, एंड स्ट्रक्चर्स में आपको हाउस बी हाउस सी, ओके दो टाइप के हाउस है, हाउस बी एंड हाउस सी। और यहाँ पर उसके बाद आपको डेकोरेशंस एंड उसके बाद है आपका इंटरेक्टिव्स, ओके। यहाँ पर आप अगर देखोगे हाउस बी के नीचे आपको 50 एंड यार आपको यहाँ पर हाउस सी के नीचे 50। अब ऊपर में अगर देखोगे आपको जो टोकन्स है ये वाला, ये आपको कितना है भाई, आई थिंक 1000 है, 1000 ही है ना, हाँ 1000 टोकन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो आप जितना यहाँ पर यूज़ करते जाओगे आपका ऊपर वाला जो ओवरलोड हिस्सा है वो कम होते जाएगा, वो जो रेड वाला हिस्सा है वो आपका यहाँ पर कम होते जाएगा। और यहाँ पर आप मतलब आप पकड़ के चलो आप यहाँ पर 1000 जो वो वाला टोकन है उस टोकन को यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे। और एक बात आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, आप यहाँ पर चाहो तो एक से ज़्यादा मैप यहाँ पर बना सकते हो और सेव करके भी रख सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप यहाँ पर कौन से टाइम पर कौन से मैप के साथ खेलना पसंद करोगे। और यहाँ पर जो कस्टम रूम कार्ड लगाएगा, सपोज आपके पास यहाँ पर ब्लू कस्टम रूम कार्ड है, ठीक है, तो आपका चूज करा हुआ मैप आपके बाकी टीममेट्स यहाँ पर खेल पाएंगे। तो मतलब जिसके पास कस्टम रूम कार्ड रहेगा वही यहाँ पर मैप को डिजाइन कर पाएगा, और कस्टम लगाने के बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर का कस्टम रूम कार्ड है वो लगाने के बाद उस मैप के आप और आपके टीममेट्स जो कि है यहाँ पर खेल पाएंगे। जैसे कभी बिल्डिंग्स में देख सकते हो सारे 20 करके है यहाँ पर, वैसे यहाँ पर जो है मेन चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा पूरे मैप के अंदर 1, 2, 3, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तीन, मतलब आप तीन टाइप के मैप यहाँ पर बेसिकली बनाकर रख सकते हो, और आपको जिसमें भी मतलब मनपसंद, मतलब आपको जिसमें भी मतलब खेलने का इंटरेस्ट है आप वहाँ पर जाकर इसको बेसिकली इजीली खेल सकते हो। तो ये जो आप कस्टम है, मतलब ये जो मोड है, ये मोड आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा सिर्फ कार्ड के थ्रू, ठीक है। तो इसके लिए आपको कार्ड चाहिए, जो कार्ड आपको चाहिए वो है ब्लू कस्टम रूम कार्ड, ठीक है।
तो अभी यार आप लोग बोलोगे भाई ये जो ब्लू कस्टम रूम कार्ड है ये हमें कैसे मिलेगा, तो डोंट वरी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो यहाँ पर फ्री फायर जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो पेट रंबल कार्ड था, एक पेट रंबल मिशन जो कि यार कस्टम में आप अपने दो आपके पेट्स और आपके जो टीममेट्स है उनके पेट्स को यहाँ पर आप एमोंग अस टाइप का जो गेम था पेट रंबल का वो खेले होंगे। तो फ्री फायर ने वो खुद मतलब अवेलेबल कराया था कुछ मिशंस के थ्रू आपको देखने के लिए मिला था जो हमारा पेट रंबल कार्ड होगा। तो वैसे ही आपको जो ये ब्लू कस्टम रूम्स कार्ड हो गए ये फ्री फायर की तरफ से अवेलेबल करा जाएगा। हालांकि यार देखो अगर आपके पास डायमंड है तो आप इजीली जाकर स्टोर से खरीद पाओगे, स्टोर पर बहुत ही जल्द जो कि है ये कार्ड अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर फ्री में भी जब पहले पहले ये जो मतलब मोड आएगा तब फ्री में भी कुछ कार्ड दिया जाएगा, इतना नहीं कि अनलिमिटेड मिलेगा, मतलब एक दो कार्ड आप पकड़ के चलो बस, मतलब हम लोगों को ट्राई करने के लिए ये कार्ड हमें देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत सारे बंदे यूज़ करेंगे। और अगर आपको अगर अच्छा लगता है खेलकर ये मोड, क्योंकि ये फुल क्लैश कार्ड जैसा ही होने वाला है, कुछ भी अलग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, 8 बंदे ही खेल पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका मैप जो कि है खुद का होगा और क्राफ्टलैंड न्यू मोड आने वाला है, ठीक है, मैप आप खुद से डिज़ाइन यहाँ पर कर पाओगे, बस इतना ही डिफरेंस होगा, बाकी सब क्लैश कार्ड जैसा ही है। तो यहाँ पर कुछ मतलब प्रोवाइड करेगा कुछ मिशंस के थ्रू यहाँ पर फ्री फायर, बाकी यार आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा जाकर, ठीक है, आपको स्टोर में जाकर आपको खेलना पड़ेगा। और हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया ये आपको फ्री फायर मैक्स के ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, फ्री फायर के ऊपर आपको देखने के लिए अभी तक नहीं मिलेगा। तो यही डिटेल्स आप सभी लोगों तक शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा, कौन कौन इस मोड को खेलने वाले हो हमें कॉमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलना, और हमें वीडियो कैसा लगा वो भी हमें ज़रूर बताना। अगर यार वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर से इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर न्यू आते हो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे ही रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दो, साथ ही घंटे वाले आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो फिलहाल यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपके साथ और एक न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी लोग घर में रहो, स्वस्थ रहो, अपने एंड अपने फैमिली का ख्याल रखो। सभी को हमारी तरफ से डार्क शूटर की तरफ से टाटा।